थोड़ा सा मुश्किल होता है एक फीमेल बड़ी के लिए कैम। दिन में मैं 800-900 बोले डाल दूँ। बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे सुरेंद्र लाठी। हाय गाइस, तो अभी मैं एकेडमी आया हूँ, तो अभी मेरे पीछे अभी देख रहे हैं सीनियर्स वुमेन्स के उच्च खिलाड़ी प्राची चौहान जो अभी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अभी देखो आप, तो पीछे मेरे HPCA के और भी हैं वुमेन्स क्रिकेट के मेंबर्स, अभी वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पे नए हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थोड़े से मैं इनके शॉर्ट्स दिखाता हूँ और कुछ बातचीत करूँगा एट दी एंड कि क्या एक वुमेन को क्रिकेट में क्या डिफ़िकल्टी आती है और क्या आप समझ सकते हैं चैलेंजेस आते हैं घर की तरफ से और नियर अबाउट कह सकते हैं कि क्या क्या वो प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, कैसी डाइट लेते हैं और कैसे गियर्स यूज़ करते हैं। अभी देखो तो अभी डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़े से शॉर्ट्स लेते हैं यहाँ एकेडमी में, तो करते हैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट। तो ये मन्नत मैम हैं और यहाँ पे सामने हर्षिता जी हैं, अपने गियर्स अभी रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये पैड्स हैं, कैसे टक इन करते हैं आप देखें। तो मन्नत मैम से तो मैंने पहले भी इंटरव्यू करा है और हर्षिता मैम मेरे चैनल पे नहीं है। हर्षिता मैम हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन। थोड़ा सा मुश्किल होता है एक फीमेल बड़ी के लिए कैमरा पे आना और क्रिकेट खेलना एक चैलेंज है, फिर भी मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट गेम में? पाँच साल से। तो आप कुछ अपने गियर्स दिखाएंगे किट में से? ये मैम की किट है और ये देखो आप, बैट है, एक हेलमेट, एक बास का बैट। ये कश्मीर विलो है? नो नो, इंग्लिश विलो है दोनों। हैरो साइज की नंबर 6 हैरो। ये देखो, अब मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया कि फीमेल बडीज के लिए हैरो साइज सबसे ज्यादा यूज होता है, नंबर 6 साइज यूज होता है। और क्रिकेट किट में आप क्या क्या रखते हैं? मैं देख सकता हूँ आपकी पर्सनल किट है? मैं गियर्स एक बार ये देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। ये देखो, देखो चेस्ट वाला आ गया और यहाँ पे ग्लव्स आ गए बास के, और ये देखो नेट्स के लिए रखा होगा ये बैट आपने, ठीक है। और ये कैप। HPCA से खेलते हो कितना टाइम हो गया आपको? तो यहाँ पर बॉल थ्रोअर भी है। हेलो भैया, कैसे हो? तो कुछ आप भी बताएं अपने बारे में कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं डेली बॉल्स, आपका भी बहुत डेडिकेशन है, बॉल्स डालते हैं, मैं देख रहा हूँ सामने आप अपने बडीज को बॉल डालते हैं। कितनी बॉल डाल लेते हैं दिन में? दिन में मैं 800-900 बॉल डाल देता हूं। तो ये कंधे वगैरह तो नहीं जाते आपके? नहीं। कुछ राज तो बता दो। स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ सुबह, स्ट्रेचिंग वगैरह। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो कवर करी थी लेकिन मैं आपको लाना भूल गया था, सॉरी भाई उसके लिए। आप अपना नाम बता दो एक बारी। मेरा नाम हेमराज रावल है। हेमराज राव, सारे मेरे को हेम बोलते हैं, तो मैं आज से आपको भी प्यार से हेम बोलूंगा। 800-900 बॉल डालना और प्रैक्टिस कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए अंदर चलते हैं प्राची चौहान जी के पास जो अभी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे सुरेंद्र लाठा जी हैं सर, यहाँ पे देखो। आप रनअप देखना मैम का। अच्छा स्विंग हुआ है, थोड़ा लेफ्ट पे डाल इसको। तो वहाँ पे मन्नत जी विकेट कीपिंग कर रहे हैं अभी और यहाँ पे
मेल बडीज और यहाँ पे हेम जी जो अभी दिखाए थे, यहाँ देखें आप ये बॉल्स हैं, कुछ रग बॉल्स हैं और सामने प्लेयर है जिनको क्या शेंकी नाम है ना, यस शेंकी नाम है। आप देखना एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, आप डालो हेम जी बॉल, ये देखो राइट, हेम जी की भी मेहनत है यहाँ पे। और यहाँ पे हेलो, क्या हाल है यार, अपने अपनी यार थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दो यार। माय नेम इज इंद्र शर्मा, मैं अभी 16 पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा हूँ, 19 में डोमेस्टिक टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूटीसीए से। लेफ्टी बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेस। ठीक है, तो लेफ्टी बैट्समैन हो तो लेफ्टी पेयर तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आपने अभी कौन से ब्रांड के पहने हैं? शुरू से एसएस ब्रांड के, एसएस के पहनते हैं। और ये जो थाई एसजी के आप पहनते हैं, और कुछ आप गार्ड स्पेशल रखते हैं अपने पास? नहीं, नॉर्मल तो अभी जैसे 19 तक तो चेस्ट गार्ड भी मतलब एसएस ग्रुप को मिलती, लेकिन अगर उसके ऊपर लेवल पे खेलना है तो चेस्ट और थाई मेन प्रायोरिटी मिल जाती है। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं। लड़कियों का क्या कहना है कि अभी जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है और आपके एक कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, आप सपोर्ट हैं कि थोड़ा सा लगता है कि आने वाले सालों में बराबरी हो जाएगी? हो जाएगी, अच्छी बात है, वैसे बराबरी हो जाएगी, करना चाहिए ना। बिल्कुल, वैसे ही मैं कहता हूँ हर किसी को कि अपने साथ सबॉर्डिनेट करना चाहिए फीमेल बडीज को, उनको प्रेरणा देनी चाहिए और उनको उत्साहित करना चाहिए कि वो अच्छा क्रिकेट खेलें लाइफ के अंदर। थैंक यू यार, प्रैक्टिस करें आप। और वो आपका एक साथी गायब भी हो गया मुझे पता, कैमरा शाही है थोड़े से, तो यहाँ पे देखो आप, ये बॉक्स क्रिकेट भी चलता है यहाँ पे एकेडमी में। और टाइम बज रहे हैं अभी 5:30, अभी मैं पानी यहाँ पीने आया था और मैं बाकी फैसिलिटीज़ देख रहा था इसकी एकेडमी की। आप देखें वाटर कूलर है और बहुत चिल्ड पानी है और नॉर्मल पानी की कनेक्टिविटी है यहाँ पे। और यहाँ वॉशरूम्स हैं और यहाँ पे रेस्टिंग रूम्स भी हैं, चेंज रूम भी हैं, और पार्किंग का एरिया आप देखें कितना वाइड है। और ये जो देख रहे हैं एकेडमी का ग्राउंड, बहुत ब्राइट, यानी कि इसका जो फ्यूचर है ग्राउंड का बहुत ज़्यादा वाइड है और एरिया भी वाइड है। यहाँ पे क्लब क्रिकेट भी खेले जाते हैं सैटरडे संडेज को, और स्पेशल नेट्स भी हैं उस साइड पे आप देखें। और यहाँ पे ये अपना रेस्टिंग एरिया है, आप यहाँ पे अपने रिफ्रेशमेंट टाइम के सामने बैठ सकते हैं इस एरिया में। और यहाँ से देखें क्या नज़ारा है, और बिल्कुल पीछे यहाँ पे एक सीन बनता है लेक का, छोटी सी लेक है। और यहाँ पे आप देखें ये फार्म्स हैं थोड़े बहुत, बहुत अच्छा एक व्यू है फार्म्स के बीच में, फ्रेश एयर आ रही है और मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, और जबकि यहाँ पे टेम्परेचर है 42 के आसपास है अभी। और इसका एड्रेस एकेडमी का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ है। और सामने वहाँ पर ऑफिस भी है जहाँ पे सीनियर्स वगैरह मैनेजमेंट टीम बैठती है। मन्नत मैम अभी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, अब तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी मैम कह रहे थे कि यहाँ पे इतनी बॉल फास्ट आई कि वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि पिचका दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देखना अभी मैम वहाँ से डालेंगे बॉल। अगर आप एनालाइज करें मैम तो कितनी स्पीड आ रही होगी? तो वो रडार से ही पता चलेगा। अभी दोबारा देखते हैं मैम को, रन अप ले रहे हैं। प्रीति चौहान मैम जी आ गए हैं अपना प्रैक्टिस, प्राची चौहान जी आ गए हैं, तो अभी प्रैक्टिस करके आए हैं। तो आइए बात करते हैं मैम से कुछ। मैम पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप टीम इंडिया को नियर फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करेंगे,
हाई लेवल पे। अभी सीनियर वुमेंस खेल रहे हैं, सर ने बताया कि पिछले 10 सालों से आप इस फील्ड में हैं, तो चैलेंज कुछ आया पहले 10 साल पहले चलते हैं? 10 साल पहले जब अभी इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि हिमाचल एक वैसे थोड़ी छोटी सी जगह है, इतनी अकेडमीज नहीं अवेलेबल है। थोड़ा लाउड बोलो, शोर। एक्चुअली हिमाचल एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे इतनी अकेडमीज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक धर्मशाला में है, वहाँ पे एक लड़कियों के लिए जो एक अकेडमी है। सो काफ़ी टाइम पहले तो इतना घर से भी चलो अच्छा स्पोर्ट था मेरे को, कभी घर से भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। तो पहले सबसे पहले मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2012 में ट्रायल दिया था अकेडमी के लिए, तो वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई, तब से मैं खेलते आ रही हूँ। अभी घर वालों को अच्छा स्पोर्ट था। राइट, तो यहाँ पे अपनी डाइट के अंदर कैसे करते हैं? जैसे हम मेल कैटेगरी में हैं तो हम डाइट अच्छी लेते हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? डाइट सेम ही रहती है कि कुछ डिपेंड करता है, मैं टूर्नामेंट से पहले कैसी डाइट लेनी है या फिर आपको जिम के बाद क्या डाइट करनी है, वो आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपको अभी कार्ब्स लेने हैं या फिर आपको भी किस तरीके मतलब गेन करना है या फिर अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशन, जो भी होता है उस हिसाब से प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। अब आप इतने सीनियर हो चुके हैं पिछले 10 सालों से, कितनी प्रैक्टिस आपकी चलती है डेली बेसिस पे? एक जैसे यहाँ पे अभी आए हैं एकेडमी में, तो कितनी प्रैक्टिस दे रहे हैं यहाँ पे? जैसे 4 बजे आ जाते हैं, सर आते हैं, सर पूरा सपोर्ट करता है, 4 बजे से लेकर सर 8 बजे 9 बजे तक लगे रहता है हर एक बच्चे के पीछे। सर जब तक किसी सबकी बैटिंग नहीं आ जाती, बॉलिंग नहीं आती, सर हमेशा पीछे से सपोर्ट करता रहता है। सर का बहुत अच्छा सपोर्ट है, सर काफी अच्छे बैटर। और एक मैसेज देना चाहते हैं लड़कियों को, अपनी फीमेल बडीज को, रिगार्डिंग क्रिकेट और वैसी कोई भी फील्ड में स्पोर्ट्स? तो कोई भी, मेरे को ये है कि कभी भी जो भी आपके ड्रीम्स हो, कभी भी ये मत सोचो कि मैं लड़की हूँ या कुछ भी हूँ, करने से कुछ भी हो जाता है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप कभी भी ये अपने आप को कमज़ोर समझ के पीछे ना हटे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वुमेन से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता। बिल्कुल सही है, परफेक्ट बात कही है आपने मैम। आइए क्रिकेट की आपकी किट देख लेते हैं, पर्सनल किट है तो मेरे को अलाउ करते हैं आप देखना। तो आप ये देखें, एक बैट है मैम का, इंग्लिश लो। अच्छा मुझे ये बताओ, ग्रेन्स मैटर करती हैं बैट में? हाँ मैटर्स करती हैं, बाकी तो डिपेंड करता है आपका उसका कितना अच्छा वेट है, बैलेंस है ज्यादा मेरे लिए, वो भी मैटर करता है। लेकिन आप सीनियर खेल रहे हैं, अच्छी एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं गेम को क्रिकेट में, तो आपको ग्रेन्स मैटर करती हैं? क्योंकि आपने मेरे लिए भी मैटर करती है, और मेरे को अच्छा ज्यादा वेट भी मैटर करता है बैट का, कितना अच्छा वेट होगा, बैलेंस। राइट, मेरे को जो बैलेंस होता है वो बीच में चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपका बॉटम चल जाता है तो काफी खेल नहीं पाता। राइट, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो तो आपको मिड में मीट चाहिए, और लोग यहाँ पे इंडिया की पिचेस में मांगते हैं बॉटम पे, तो वो क्लब क्रिकेट में चले जाता है। राइट, तो आइए क्रिकेट देखते हैं, गियर्स और कौन कौन से आपके ग्लव्स दिख रहे हैं यहाँ पे? ये ग्लव्स हैं मेरे काफी, और ये मेरे बैंड्स रहते हैं, क्योंकि मैं एक फास्ट बॉलर हूँ तो मेरे को बैंड्स की काफी स्ट्रेंथनिंग वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है। वार्म अप बैंड है ये, आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए बैंड है, मेरे थायरा बैंड्स पड़े हुए सारे, ये आप देख सकते हैं, फॉर्म रोलर है, फॉर्म रोलर है, जरूरी रहता है ये। ठीक है, स्पाइक्स है मेरे पास ये मेरे, तो ये कैसे मेंस की आप पहनते हैं कि इनके कोई स्पेशल आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सिक्स नंबर है मेरा, स्पाइक्स का नंबर जो आता है सिक्स नंबर, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं जैसे। ठीक है, सिक्स नंबर स्पाइक्स आता है ये, इसमें कुछ नहीं आता ऐसे मेंस या जो भी है। ठीक है, और एक हेलमेट है, बाकी बॉल्स रहती है, कभी टेप की जरूरत पड़ जाती है आपको पता है, कभी आपके पास चीज अवेलेबल नहीं होता तो कभी जरूरत पड़ जाती है। प्रैक्टिस बॉल है, आप ये रखें मैम, आप ये देखें अंदर, और भी फर्स्ट इनके बहुत फास्ट अप वगैरह थक जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाए, कभी भी हमेशा रहेंगे अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना इसके लिए। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग टूर्नामेंट, और आप अपनी टीम इंडिया के अंदर एक बारी जब खेलेंगे तो मैं आपको सल्यूट मारूंगा और मेरी ऑडियंस भी आपको सल्यूट मारेगी। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित मैच था, लेकिन एट दी एंड देखो एक ने जीतना एक ने हारना है, लेकिन सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल नहीं मैच मैटर करता, पहुंचना ही मैटर करता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे मूवमेंट पे? वैसे तो एक टाइम तक तो मैच इंडिया के हाथ में ही था, जहाँ तक मुझे लगता है जब जैमिमा और हरमंदी की विकेट जो एक साथ चली है, दोनों सेंट बैट्समैन एक साथ चली है, मेरे हिसाब से वहाँ हमारे हाथ से थोड़ा मैच निकल गया, वरना बाकी तो बहुत थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले हैं हमारी टीम, मतलब इतना सिल्वर भी लेके आए हैं बहुत बड़ी बात है, पहुँचने ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत उपलब्धि है। थैंक यू मैम, चलता हूँ, बहुत जल्द आपको मैच मैं टीवी पे देखूंगा आपका, और स्पेशल ऑटोग्राफ लेने आऊँगा आपका। थैंक यू मैम, यहाँ करते हैं साइनिंग ऑफ। अंकित भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका दोस्त अंकित भाई, बाय बाय।